शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चक्रमपुरा के शेरगढ़ ग्राम में वन भूमि के अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में खून संघर्ष हो गया। जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने लगभग 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट न होते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर विवाद गहराने की सूचना के बाद शिवपुरी पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष से मिलकर कार्यवाही का भरोसा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी माने और शव को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज नरवत थाना के अंतर्गत एक ग्राम शेरगढ़ में गोलीबारी हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई, मौत हो चुकी है। क्या पूरा मामला इसमें? आज सुबह 7:30 बजे जो आरोपी गण थे उन्होंने इकट्ठे होकर एक मारपीट करी और उसमें फायर भी किया। जो मृतक लाल सिंह बघेल हैं उनको लगी गोली और फिर वो तत्काल थाने जब पहुँचे उनका परिवार लेके पहुँचा। एफ आई आर हुई थी 307 की और वो इलाज के लिए ग्वालियर भेजे गए थे जहाँ पर उनकी डेथ हुई। उसके बाद पीछों को लड़ाई जा रही है और ये घर वालों को ध्यान देकर जा रही है। परिजनों की कुछ मांगे थी सर, जिसको लेकर चक्का जाम भी उन्होंने किया है, क्या मांगे थी सर? थोड़ा उनके परिवार में मृत्यु हुई है तो आक्रोशित है जी, और उनका एक जाते थे आश्वासन कि उनका कहना था कि कुछ नाम छूट गए थे जो साथ में जी, उनके नाम बढ़ाए जाए और सुरक्षा की उनको लग रहा था कि सुरक्षा के लिए उनको कुछ किया जाए जी। और जब तक आरोपी पहले पकड़े जाए उसके लिए उनकी सुरक्षा भी की जाए और उस लाइसेंस की उनकी बात की। कितनी आरोपी इस मसला शामिल है? इसमें अभी 13 नाम बताएंगे उतने और मिल जाएंगे। जो स्टेटमेंट हो गए आई विटनेसेस हैं इसमें कई सारे और कई लोगों को चोट और भी लगी है, उनके बयान देखिए उसमें संख्या जो भी आएगी उसको कर लिया जाएगा, उनको बता दिया गया है। सबके बयान में वीडियो स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और इसके साथ में कुछ लोगों को जो नाम उनके आए थे उनको कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, उनसे भी पूछताछ करके बाकी आरोपियों को किसी किसी को गिरफ्तार करेंगे। अभी सुरक्षा के लिए इनके गार्ड भी लगाई जा रही है और जिनका आवेदन आ गया परिवार वालों को उनके लाइसेंस भी लगता है। अभी किसी आरोपी गिरफ्तारी हो सकी सर? हाँ अभी कुछ लोग हुई है लेकिन अभी बातचीत चल रही है, उनको पकड़ा गया है, तीन लोगों को पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको। कौन कौन सी था धारावन में अपराध दर्ज हुआ इनके खिलाफ? इसमें बलवा और 307 में मुद्दा रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें 302 बढ़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।